जब आसमान से आफत बरसती है तो उसके कहर से बचना नामुमकिन सा हो जाता है। जब प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है तो तबाही का आना तो लगभग तय है। ऐसा ही कुछ हुआ पिथौरागढ़ के बांसबगड़, नाचनी और सिमगढ़ में, जहां बादल के फटने से भारी तबाही मच गई। टिमटिया इलाके में एक घर में भारी मलबा आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 लोग घायल हो गए। दरअसल सिमगढ़ इलाके में कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। यहां भुजगढ़ नदी उफान पर है, जिस वजह से नदी से सटे दर्जन भर से अधिक घरों पर खतरा मंडरा रहा है। आपदा प्रभावित क्षेत्र को जोड़ने वाले मोटरमार्ग जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय मुनसियारी से कई जगहों पर कट गए हैं। इस वजह से लोगों को मदद पहुंचाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। वहीं SDRF और NDRF की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, साथ ही मुनसियारी और DDHAT तहसील प्रशासन की टीमें भी आपदा राहत कार्य में जुट गई हैं। तीनों स्थानों पर हमारा SDRF का टीम और NDRF का टीम और समस्त प्रशासन की जो टीम है वहाँ पहुँच गई है। मेडिकल टीम को भी रवाना कर दिया है। मेडिकल टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद आनंद सिंह जी की जो पत्नी है उनको भी प्राथमिक उपचार देकर ठीक कर दिया है। इसके अलावा जो अन्य एक ग्राम में भी सूचना प्राप्त हो रही थी कि वहाँ पे एक 4 लोग के फंसने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो उनको भी NDRF की टीम ने वहाँ से बचाने में सफलता हासिल की है। पहाड़ों पे अक्सर बादल फटते रहते हैं और पहाड़ पर अपना आशियाना बना के रहने वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है।